हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका अपने जो है अपना मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं और यूज करते करते ऑटोमेटिक आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है, इसका ही मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है और कभी कभी जो है ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा है, मतलब स्क्रीन मतलब कोई भी एप्लीकेशन चलाते या फिर यूट्यूब वगैरह चलाते ऑटोमेटिक ब्लैक आ जा रहा है स्क्रीन पे और यहाँ पे जो है चल नहीं रहा है व्हाट्सएप और ऑटोमेटिक कभी कभी स्विच ऑफ भी हो जा रहा है। तो इसी का सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। आपके पास रियलमी, एमआई, शाओमी, मतलब ओप्पो, वीवो, इस टाइप के मतलब जितने भी मोबाइल फ़ोन, जैसे सैमसंग वगैरह हो गया या फिर कह लो मतलब मोटो वगैरह, मतलब जितने भी आपके पास डिवाइस हो, सारा डिवाइस के लिए सॉल्यूशन मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी प्रकार से मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे जो स्टेप आप देख रहे हैं ये रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और ये रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये सभी के सभी डिवाइस के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है बट यहाँ पे रियलमी में ही केवल काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिया गया है, अगर इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ज़्यादा मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे स्विच ऑफ होने का कारण होता है कि कभी कभी मोबाइल जो है हैंग कर देता है, और जब मोबाइल हैंग करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है स्विच ऑफ हो जाता है, उसके पास मतलब कोई और रास्ता नहीं होता है। हैंग करता है जैसे वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, बिना हैंग किए हुए आपका मोबाइल जो है टर्न ऑफ यहाँ पे नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो जब आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है तभी आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आप देखते हैं, इफ़ अ प्रॉब्लम अकर व्हेन द एप्लीकेशन इन यूज अनइंस्टॉल इट इज टू सी इफ़ यू आर फिक्स द इशू। कहना चाहता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं या फिर गेम वगैरह पबजी वगैरह खेल रहे हैं, तो जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप चलाते समय आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक मतलब स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसा जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसी एप्लीकेशन को यूज करते समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे आप दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है, बट एक एप्लीकेशन जो ऐसा है जिसको यूज करते समय आपका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ हो जाता है, उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली अनइंस्टॉल करना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर के अलावा आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, आपको ऐप स्टोर में, आपको मोबाइल फोन में ऐप स्टोर भी मिलता है, रियलमी के ऐप स्टोर है और मतलब बहुत सारे ऐप स्टोर का ऑप्शन है, 9 ऐप है, या फिर गूगल पर से कुछ लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो आपको करना कुछ है, सिंपली आपको जो है सारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में सेफ एप्लीकेशन आता है, वहाँ पे स्कैन किया हुआ होता है, गूगल की तरफ से स्कैन करके सारा एप्लीकेशन डाला हुआ रहता है, तो वहाँ पे 100% सेफ एप्लीकेशन सारा रहता है। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो आपको सिंपली जो है गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगला स्टेप यहाँ पे आप देखते हैं, ये स्टेप आपको कहना चाहता है, जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं और आपका जो है मोबाइल का कवर होता है, फ़ोन का जो केस होता है कवर, तो उस कवर के जैसे कवर कभी कभी यहाँ पे मोटा भी होता है, कभी कभी पतला भी होता है। मोटा अगर कवर होता है और कवर जो है टाइट हो जाता है, टाइट होने के कारण ऑटोमेटिक जो है पावर बटन यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेस हो जाता है, उस समय आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट में यही कर रहा है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का कवर है और ज़्यादा मोटा कवर होने के कारण, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइट कवर होने के कारण यहाँ पे आपका जो है प्रेस हो जाता है, पावर बटन जो है ऑटोमेटिक प्रेस हो जाता है, इसके वजह से आपका मोबाइल जो गेट स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब स्विच ऑफ में चला जाता है। तो आपको एक बार जो है चेक कर लेना है अच्छी प्रकार से। थर्ड नंबर स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर फोन माइट रिस्टार्ट और टर्न ऑफ बाय इटसेल्फ व्हेन यूज इन वेरी हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट। जैसे आपका मोबाइल फोन हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट, जैसे आपका मोबाइल ज़्यादा ठंडा है तो ठंडा होने के कारण भी ऑटोमेटिक आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद अगर आपका जो है मोबाइल फ़ोन को अगर आप सनलाइट में यूज करते हैं और सनलाइट यूज करते समय आपका मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे गर्म हो जाता है आपका मोबाइल फ़ोन, तो उस समय आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस समय आपका जो है इशू फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर आपका मोबाइल जो है तब आपका जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है जब यहाँ पे आपका मोबाइल हैंग करता है, हीट करता है, तो हैंग करते समय आपका जो मोबाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मैंने भी बहुत सारा मोबाइल फ़ोन का यूज किया है, जैसे हो गया J2 हो गया, तो J2 में भी बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, जैसे J2 में ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे हैंग करता थोड़ा सा भी तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता था। J2 यहाँ पे सैमसंग का ऐसा डिवाइस था जो J2 यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, सैमसंग का सबसे ज़्यादा हैंग करने वाला डिवाइस जो है J2 ही था, तो वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं फोर्थ नंबर में दिया गया है, टेक आउट द सिम कार्ड, चेक इफ इट इज़ डैमेज और डाउजिंग, देन पुट द कार्ड बैक इन एंड सी इफ फिक्स इशू। तो आपको जो है सिम कार्ड को डायरेक्टली निकालना है अपने मोबाइल फोन में और सिम कार्ड को आपको एक बार चेक करना है कि आपका जो है सिम कार्ड डैमेज वगैरह तो नहीं है, आपका मोबाइल जो टूटा वूटा मतलब सिम वगैरह डैमेज तो नहीं है। अगर सिम कार्ड आपका डैमेज है तो शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा हो, तो आपको जो है एक बार सिम कार्ड को भी चेक करना है। अब आप सोच रहे हो कि सिम कार्ड यहाँ पे तो नेटवर्क चल ही रहा है, तो आपको जो है सिम कार्ड को भी एक बार चेंज करना है, सिम 1 में है तो आपको सिम 2 में लगाना है, इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
और आपको करना क्या है कि आप जो है अपना मोबाइल फोन को चार्जर में 30 मिनट के लिए चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद आपको एक बार जो है मोबाइल को रिचार्ज करना है, यानी स्विच ऑफ करके उसके बाद स्विच ऑन फिर से करना है, स्विच ऑफ करना है, उसके बाद फिर से जो है स्विच को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे सारा सारा अगर आप स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, बिल्कुल जो है रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया, अगर ये सारे सारे स्टेप को आप फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है मोबाइल यहाँ पे मतलब ठीक होने का चांस है। अगर तभी यहाँ पे ठीक नहीं होता तो आपको करना कुछ है, आपको जो है सिंपली एक बार जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है। फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से ये होगा कि आपका मोबाइल मतलब जितना ही भरा होगा, स्टोरेज वगैरह फुल होगा, वो सारा सारा इरेज जाएगा, और इरेज होने से पहले आप जो है जितना भी इंपॉर्टेंट फोटो वीडियो वगैरह होगा वो आप बैकअप ले लेंगे, मेमोरी कार्ड में कर लेंगे। मेमोरी कार्ड में किस प्रकार से बैकअप लेना है ये सारा सारा मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद ही आप फैक्ट्री डाटा रीसेट मारिएगा। फैक्ट्री डाटा रीसेट मारते समय आपका जो है यहाँ पे बैकअप ले लीजिएगा, तभी यहाँ पे आपका जो है डिलीट नहीं होगा। तो आप जो है फैक्ट्री डाटा एक बार जरूर रीसेट मारिएगा, और ये मोस्टली जो है हैंग प्रॉब्लम के कारण जो है आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। अगर फैक्ट्री डाटा रीसेट मारने से भी आपका मोबाइल फोन ठीक नहीं होता तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको जो है सर्विस सेंटर विजिट करना है, रियलमी का या फिर जो भी ब्रांड का हो, जैसे ओप्पो एमआई का अगर आपके पास ब्रांड है तो आपको जो है ओप्पो या केयर में जाना है या फिर रियलमी का केयर में जाना है, और वहाँ पर जाकर आपको जो है अपना मोबाइल को सबमिट करना है, और आपका मोबाइल जब सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है मोबाइल फोन को यहाँ पे कम से कम 1 से 1 घंटा के अंदर आपका बना देगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर भी बना देते हैं। और अगर जो वो इशू को जो अगर बना नहीं पाएंगे, जो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है उसको अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसी समय आपका मोबाइल जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, उस समय आपका जो है पुराना वाला डिवाइस रख लिया जाएगा और उसी समय आपका मोबाइल एक नया डिवाइस दिया जाएगा। और ये डिवाइस नया तभी आपको मिलेगा जब आपका मोबाइल फोन जो है वारंटी में होगा। अगर आपका डिवाइस वारंटी में नहीं होगा तो आपको जो है कुछ चार्जेस भी देना पड़ेगा, जो आप बनवाएंगे ऑटोमेटिक आपका स्विच ऑफ हो जाता है, उसे आप बनवाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर चार्ज देना होगा। अगर आपका मोबाइल वारंटी में है तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है सर्विस सेंटर विजिट करना है, और अगर कोई भी नियर बाय में सर्विस सेंटर नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन है, आपके घर पर जो है पिकअप करने आएगा कुरियर बॉय, पिकअप करने आएगा और आपका मोबाइल फोन ले जाएगा, उस 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका मोबाइल फोन बन के वापस घर पर आ जाएगा। तो एक कुरियर वाला होम पिकअप पे किस प्रकार से बुलाना है उसका भी लिंक मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोसेस था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला था, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अनिल मोन्टर आपको टाइप करना है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप, अगर आपको जो है यहाँ पे कोई भी इशू आता है, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, अनिल मोन्टर आपको टाइप करना है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज सभी के सभी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।